हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टोरेज एंड लोकेशन इन ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज ए क्लास ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इन विच ए प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ ब्लॉक्स विच मेंूड नेस्टेड ब्लॉग्स सच एज ने बी अपडेटेड टू एनी डेफ तो ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती हैं जो ब्लॉक्स से मिलकर बनती हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर कितने भी और ब्लॉक्स हम क्रिएट कर सकते हैं दिस इज वॉट कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ ब्लॉक्स For example, if we see that this we call as a block, this is the opening brace and the closing brace. This comprises a block, and in this block, we can create any number of nested blocks and so on. The nesting of blocks is possible, and this nesting can be done at any depth. So, this is what the block structure language is that consists of blocks, and the blocks may contain nested blocks. Now, let us see this example. दे इज ए फंक्शन इज डिक्ड दे आर टू वेरेबल्स इज डिक विद इन द फंक्शन एक्स एन वाई एंड दैट फंक्शन कंटेंस ब्लॉक विद आई एन जे तो दे आर टू ब्लॉक्स बी टू इज ने विद इन बी वन एंड बी वन के अंदर हमने बी टू क्रिएट किया हुआ है बी वन में दो वेरेबल्स एक्स एंड वाई और बी टू में दो वेरेबल्स आई एन जे ओके तो जो स्कोप रूम यह कहता है कि जो भी वेरेबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर होता है उस वेरिएबल को उसी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं तो एक्स एंड वाई कैन बी एक्सेस्ड ऑनली इन बी वन एंड आई एंड जे कैन बी एक्सेस्ड ऑनली इन बी टू ओके द सेकेंड रूल ऑफ स्कोप इज सेंग दैट कि कोई भी वेरिएबल जो आउटर ब्लॉक में डिक्लेयर्ड है वो इनर ब्लॉक में एक्सेसिबल होगा इट मीन्स एक्स वाई इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड बी टू बट बी टू कैन एक्सेस एक्स वाई बिकॉज बी टू इज क्रिएटेड इन साइड बी वन तो आउटर ब्लॉक में वेरेबंस जो हैं वो इनर ब्लॉक में एक्सेसिबल हैं बट इनर ब्लॉक के वेरेबन आउटर ब्लॉक में एक्सेसिबल नहीं है यानी कि बी वन के नॉट एक्सेस आई एन जे तो अगर हम बी टू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चूँकि तो 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 एक्स वाई बी टू के बाहर डिक्लेयर हैं तो बी टू के लिए एक्स एंड वाई आर ग्लोबल वेरेबल्स तो वेरेबल्स डेट आर डिक्लेयर आउटसाइड ब्लॉक बट कैनॉट बी एंड कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड कैन बी ट्रीटेड एज ग्लोबल वेरियबल्स तो बी टू का पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स एंड वाई आर ग्लोबल वेरेबल्स अगर हम बी वन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बी टू के अंदर जो वेरेबल डिक्लेयर्ड हैं इनको बी वन एक्सेस नहीं कर सकता है इट मीन्स स्टिल बी टू इज क्रिएटेड इन साइड बी वन बी वन के नॉट एक्सेस आई एन जे तो बी वन के लिए आई ओ जे नॉन नोकन वेरिएबल्स हैं स्ट इज डिक्लेय इन साइड द बी वन बट कैनॉट एक्सेस आई जे मीन्स फ्रॉम बी वन आई ए क्या है नॉन नोकन वेरिएबंस हैं और इन नॉन नोकन वेरियबल्स को बी वन एक्सेस नहीं कर सकता है ओके नाउ कम्स टू द रन टाइम स्टोरेज नाउ नेट्स रन टाइम स्टोरेज एनोकेशन स्ट्रेटीज तो दिस स्ट्रेटीज कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज स्टैटिक एनोकेशन एंड डायनेमिक एनोकेशन स्टेटिक एनोकेशन मीन्स कि जो मेमोरी एनोकेट हो रही है वो कम्पाइंड टाइम पे हो रही है दैट्स वाट इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक तो जो भी मेमोरी एनोकेशन हो रहा है वेरिएबल्स को वो एट कम्पाइंड टाइम हो रहा है कम्पाइनेशन के दौरान हो रहा है इसलिए दैट एनोकेशन इज कॉल्ड स्टैटिक एनोकेशन और डायनेमिक एनोकेशन मीन्स द मेमोरी इज एनोकेटेड एट रन टाइम तो अगर वेरिएबल्स को मेमोरी एनोकेट की जा रही है ड्यूरिंग रन टाइम देन इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक एनोकेशन तो कम्पाइंड टाइम एनोकेशन इज स्टैटिक रन टाइम एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू वेरेबल्स इज डायनेमिक और जो डायनेमिक एलोकेशन के करस्पॉन्डिंग दो स्टोरेज स्ट्रेटडीज हैं स्टैक एंड हीप तो जब हम स्टैटिक एलोकेशन की बात करेंगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रन टाइम स्टोरेज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द अर्ियर वीडियो कि दिस रन टाइम स्टोरेज इज डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स कोड स्टैटिक डेटा स्टैक एंड हीप तो दिस इज यूज फॉर स्टोरिंग द टारगेट कोड इट इज़ फिक्स दिस इज स्टैटिक डेटा मीन्स दिस इज यूज ड्यूरिंग स्टैटिक एनोकेशन तो स्टैटिक एनोकेशन के दौरान जो भी मेमोरी एनोकेट होगी वो इस सेगमेंट से उनको मेमोरी एनोकेट की जाएगी दैट इज स्टैटिक डेटा स्टैटिक डेटा में वी एनोकेट मेमोरी टू दोजेवंस दैट आर एनोकेटेड एट कंपाइंड टाइम नाउ स्टैक एनोकेशन की जब हम बात करेंगे इस स्टैटी को डिस्कस करेंगे तो जो मेमोरी एनोकेट होगी इन दिस एनोकेशन दैट इज फ्राम द स्टैक पार्ट ऑफ द रन टाइम स्टोरेज तो यहाँ पे जो मेमोरी एनोकेशन होगा फ्रॉम दिस सेगमेंट और हीप एनोकेशन में जो मेमोरी एनोकेशन होगी वो हीप सेगमेंट से एनोकेट की जाएगी तो स्टैटिक एनोकेशन में मेमोरी एनोकेट होगी फ्रॉम स्टैटिक एरिया स्टैक एनोकेशन में जो मेमोरी एनोकेशन होगा वो स्टैक सेगमेंट से होगा और हीप एनोकेशन में जो मेमोरी एनोकेशन होगी वो हीप सेगमेंट से होगी ओके okay?

कि इन दैट एनुकेशन वेरिएबल लेंथ डेटा इज नॉट अनाउड यानी ऐसा वेरिएबल जिसकी साइज फिक्स नहीं, नहीं है उस तरह के डेटा को हम इस एनुकेशन में कंसीडर नहीं करते हैं सिर्फ उन्हीं वेरेबल को कंसिडर किया जाएगा जिनकी साइज़ फिक्स होती है जैसे कि इंट हमें पता कि इंट की साइज़ फोर बाइट्स है इट कैनॉट बी चेंज तो द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इज साइज ऑफ डेटा आर नोन एज कंपाइंड टाइम तो कंपाइंड टाइम में हमें जितने भी वेरिएबल्स एनोकेट करने हैं उनकी साइज़ पता होनी चाहिए नो रिकर्सिव प्रोसीजर्स इस एनोकेशन में रिकर्जन अलाउड नहीं है यानी यू कैन नॉट राइट रिकर्सिव फंक्शंस नो डायनेमिक मेमोरी एनोकेशन तो इस एनोकेशन में मेमोरी हम डायनेमिकली एनोकेट नहीं कर सकते हैं डेट इज़ मेमोरी कैन नॉट बी एनोकेटेड एट रन टाइम तो दीज आर द थ्री रेस्ट्रिक्शंस कि साइज ऑफ डेटा इज नोन एज कम्पाइंड टाइम पर पता होना चाहिए रिकर्सिव प्रोसीजर्स नहीं हो सकते हैं और मेमोरी एजुकेशन डायनामिक नहीं हो सकता है नाउ द सेकेंड इज ऑनली वन कॉपी ऑफ ईच प्रोसीजर एक्टिवेशन रिकॉर्ड एग्जिस्ट तो हम जानते हैं कि हर एक प्रोसीजर करस्पॉन्डिंग एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होता है ओके okay? और वो तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक हम प्रोसीजर में रहते हैं और जैसे प्रोसी जैसे एग्जिट करते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है बट यहाँ ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कम्पाइंड टाइम पर ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा तो हेयर द एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज़ क्रिएटेड एट कंपाइल टाइम और उसकी एक ही कॉपी स्टोर की जाएगी और तो वही कॉपी बार बार कॉल होगी मतलब हर बार कॉल करने पर एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा द सेम कॉपी एक ही कॉपी जो क्रिएट हुई है वही बार बार यूज होगी वी कैन स्टोरेज एट कम्पाइंड टाइम जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे उसको जो मेमोरी एजोकेट करेंगे वो कंपाइंड टाइम पर ही कर देंगे बाइंडिंग्स डू नॉट चेंज एट रन टाइम बाइंडिंग्स चेंज नहीं होंगी रन टाइम पे मतलब जो वेरेबल्स एनोकट होगा मेमोरी यानी एक्स जिसका कोई वेरेबल एक्स है इसको हमने कंपाइंड टाइम पे जो मेमोरी एनोकट की है ठीक है तो जगह हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड से बाहर आते हैं तो ये मेमोरी डिलीट हो जाती है तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा ओके okay? जो मेमोरी एनोकेट हो गई है टू एक्स इट विल रिमेन थ्रू आउट द लाइफ ओके नाउ एवरी टाइम प्रोसीजर इज कॉल्ड द सेम बाइंडिंग रखकर जब भी हम किसी प्रोसीजर को कॉल करेंगे चाहे वो एक बार कॉल करें चाहे दो बार करें जब भी कॉल करेंगे तो बाइंडिंग सेम रहेंगी बाइंडिंग में कोई चेंज नहीं होगा यानी कि फ्रेस एनोकेशन ऑफ स्टोरेज टू वेरेबंस क्रिएट नहीं होगा ओके तो हम जानते हैं कि जब भी एक्टिवेशन अकाउड क्रिएट होता है तो उस प्रोसीजर के वेरेबंस को फिर से मेमोरी एनुकेट होती है यहाँ पर ऐसा नहीं होगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसको जो मेमोरी वेरिएबल क्रिएट होगी वही मेमोरी बार बार यूटीनाइज होगी इट मीन्स एवरी टाइम प्रोसीजर इज कॉल्ड द सेम बाइंडिंग अकर्स दिस इज वॉट द स्टेटिक एनुकेशन स्कीम ओके इट इज द सिंपलेस्ट वन दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड द नेक्स्ट वन इज योर स्टैक एजुकेशन ठीक है तो हेयर द स्टोरेज इज ऑर्गेनाइज एज स्टैक तो यहाँ पे जो स्टोरेज है मेमोरी है वो स्टैक के फॉर्म में ऑर्गेनाइज की गई है यानी जो मेमोरी है उसको हम यूज कर रहे हैं एज ए स्टैक एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स आर पुस्ड एंड पॉप क्योंकि स्टैक में दो ऑपरेशन हो सकते हैं पुस और पॉप यहाँ पे जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स हैं उनको हम पुस करेंगे या पॉप करेंगे तो वेन एवर वी एंटर ए प्रोसीजर एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू दैट प्रोसीजर इज पुस्ड ऑन टू द स्टैक

तो हर बार जो उस प्रोसीजर के वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी एलोकेट होगी यानी कोई प्रोसीजर अगर तीन बार कॉल हो रहा है तो हर बार तो वो हम हर कॉलिंग को हम फ्रेश कॉलिंग मानेंगे और हर बार जो तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसमें वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होगी फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन एफ है और इसमें इंट एक्स कॉमा वाई है दो वेरिएबल्स हैं तो सपोज वी हैव कॉल फर्स्ट टाइम द फंक्शन एफ तो इस एफ के करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा और एक्स और वाई को मेमोरी एडोक्रिएट होगी ओके नाउ आफ्टर सम टाइम वी कॉन्ड अगेन दिस एफ तो फिर से एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा और फिर से एक्स वाई को मेमोरी एदोक्रिएट होगी तो जो प्रीवियस जब फर्स्ट टाइम कॉल किया था और जो सेकेंड टाइम कॉल किया था तो दो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होंगे क्योंकि हमने इसको दो बार कॉल किया और दोनों बार इसके नोकन वेरेबंस को मेमोरी एधोक्रिएट होगी तो यहाँ पे जो वेरेबंस हैं दे आर बाउंड टू द एक्टिवेशन रिकॉर्ड यानी हर एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अपनी वेरिएबंस होगी और उनकी अपनी वेरेबंस की मेमोरी होगी ओके द वैल्यू ऑफ नोकन्स इज डिटेड वैन द एक्टिवेशन एंड्स और जब भी हम किसी प्रोसीजर से एग्जिट करेंगे तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी हमें पॉप करना होगा और उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड से जितने भी वेरिएबंस बाउंड होंगे जिनको मेमोरी इनोकेट हुई होगी वो भी मेमोरी भी क्या होगी डिलीट हो जाएगी डिलीज हो जाएगी एंड दिस सपोर्ट्स रिकर्सिव प्रोसीजर्स तो इन दिस एनोकेशन रिकर्जन इज अलाउड ओके तो दिस इज द एडवांटेज ओवर द स्टैटिक एनोकेशन इन स्टैटिक एनोकेशन रिकर्जन इज नॉट अनाउड इन दैट केस इट सपोर्ट रिकर्सिव प्रोसीजर्स ओके तो दिस इज द स्टैक एनोकेशन वेयर द स्टोरेज इज ऑर्गनाइज्ड एज स्टैक नाउ नेक्स्ट कम टू द हीप एनोकेशन तो वेरिएबंस नोकन टू ए प्रोसीजर आई एनोकेटेड एंड डी एनोकेटेड एट रन टाइम ओके तो हीप एनोकेशन में जो मेमोरी एनोकेशन हो रहा है वो डायनेमिक हो रहा है तो so जो भी नोकन वेरेबंस हैं उनको जो मेमोरी एनोकेट होगी या डी एनोकेट होगी वो रन टाइम पर होगी ना कि कंपाइंड टाइम पर होगी ओके तो कंपाइंड टाइम पर कोई मेमोरी एनोकेशन नहीं हो रहा है फ्रॉम द हीप सेगमेंट इट इज़ ओनली एनोकेटेड एंड डी एनोकेटेड ओनली एट रन टाइम डायनामिकली एनोकेट मेमोरी टू वेरेबंस एंड नेम इट बैक वेन द वेरेबल्स आर नो मोर रिक्वायर्ड तो हम वेरेबल्स को मेमोरी तभी एनोकेट करेंगे जब रिक्वायर्ड होगी जब तक रिक्वायर्ड नहीं है हम मेमोरी एनोकेट नहीं करेंगे और जैसे ही उस वेरेबंस की हमें कोई यूज नहीं रहेगा तो हम इस वेरेबंस को एनोकेट की मेमोरी को हम फ्री कर देंगे ओके तो दिस इज दॉट द कॉन्सेप्ट इज वेन एवर वी नीड टू एनोकेट मेमोरी ऑनली देन वी हैव टू एनोकेट मेमोरी टू द वेरेबल एंड

तो दिस इज़ द हीप एनोकेशन इन विच वी आर एनोकेटिंग एंड डी एनोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम तो दीज आर द थ्री एजुकेशन स्ट्रेटजीज स्टैटिक स्टैक एंड हीप होप यू हैव अंडरस्टैंड द थ्री एजुकेशन स्ट्रेटजीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू